हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अतुल सिंह, एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम समझेंगे मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय और अपनी इन्फॉर्मेशन भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है एंड वीडियो में बताई गई सभी बातों को आप ध्यान से समझें और रजिस्ट्रेशन में होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बचें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपियर होना चाहते हैं उन्हें अभी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा, क्योंकि राउंड टू में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। राउंड वन के थ्रू ही आप अपग्रेड होकर राउंड टू में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉपअप राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका जरूर मिलता है, लेकिन तब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स भर चुकी होती हैं और प्राइवेट में भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की सीट बहुत कम रिमेनिंग होती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आप राउंड वन से ही काउंसलिंग में प्रोसीड करें, यह बेटर रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज़ करें, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि डेस्कटॉप का इंटरफेस बेटर होता है और आप सभी डिटेल्स को एक साथ आसानी से देख सकते हैं, जो कि कई बार मोबाइल में छिप जाती हैं। साथ ही सभी डिटेल्स को कैपिटल लेटर में फिल करने की कोशिश करें और अपने डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में ही भरें। चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप वाइज समझते हैं और आपको किस स्टेप में किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर विजिट करना है, जहां पर आपको कई सारे डिपार्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज को क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने यह पोर्टल ओपन होगा, जहां पर आपको राइट साइड में क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करना होगा, क्योंकि कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, जिससे कि आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड मिलेगा। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने नीट यूजी 2024 का रोल नंबर मेंशन करना होगा और एक सीक्रेट की बनानी होगी। सीक्रेट की बनाने के लिए यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, फिर 0 लगाना होगा और उसके बाद अपना नीट का स्कोर लिखना होगा। जैसे कि आपका नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन इसके बाद एक 0 लगाना होगा और यहाँ पर आपका नीट यूजी का स्कोर लिखना होगा, जैसे कि 456। सो ऐसे करके आपकी सीक्रेट की तैयार हो जाएगी। सीक्रेट की फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा और देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन में, जिसके बाद आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कैंडिडेट डिटेल पहले से ही फिल होगी। यहां पर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो आईडी प्रूफ और करेस्पॉन्डिंग एड्रेस। आप यहां पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज़ करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग की आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर डिलीवर की जाएगी। फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। उसमें दिया गया नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। देन आप अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करेंगे। इसी पेज में आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करनी होगी। बैंक डिटेल्स भरते हुए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग बैंक हो या फिर करेंट अकाउंट हो। अगर आपका अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट है तो यह एक्टिव नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट ना हो। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट माइनर है तो आप अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार ध्यान में रखें कि आप अपने साइबर कैफे या फिर कियोस्क वाले के बैंक अकाउंट डिटेल इंटर ना करें, क्योंकि काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी रिफंडेबल अमाउंट होता है वह इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। आप अपनी सारी बैंक डिटेल्स भर देंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड और बैंक नेम, साथ ही ब्रांच कोड। यह सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
जिसके बाद आपके सामने यह पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर सेंड किए गए ओटीपी को फिल करना होगा और उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के लिए यह इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अब वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर यह पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा कि यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन डीएमई यूजी 2024 काउंसलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है, यह भी इस चीज का कंफर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त कोई भी गलती कर दी है तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाकर अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, जिससे कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होगी। चलिए इन सभी डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपकी एनआरआई डिटेल्स मांगी गई हैं। क्या आप एनआरआई कोटा के थ्रू एलिजिबल हैं? यस या फिर नो? देन आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल्स फिल करनी होगी। क्या आप एमपी डोमिसाइल हैं? यस या फिर नो? अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं तो आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इश्यू, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग ऑफिसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे सर्टिफिकेट इशू करने की डेट मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि आप कोशिश करें आपका डॉक्यूमेंट रिसेंटली अपडेटेड हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करा लें, लेकिन अगर आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट आने में टाइम लगता है तो फिलहाल के लिए आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में ही डिटेल्स फिल कर दें, और एक बार अपडेटेड डॉक्यूमेंट आने के बाद आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। देन आपको अपनी कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि कैटेगरी इन एमपी स्टेट, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे ओबीसी कैंडिडेट्स जो कि क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं ओबीसी की तरह अप्लाई नहीं करेंगे, उन्हें जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और साथ ही यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के कैटेगरी सर्टिफिकेट के रेफरेंस में ही डिटेल फिल करनी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी आपको रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ इशू एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग ऑफिसर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी क्लास डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें कि ऑप्शंस है पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा, गवर्नमेंट स्कूल। इनमें से आप किसी एक क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे या फिर नो पर। ऐसे ही फ्रीडम फाइटर में यस और नो, सैनिक में यस और नो। यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल कोटा के 5% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है तो यस फिल करेंगे या फिर नो। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल कोटा और सैनिक कोटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी डिटेल से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तो आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। क्या आपने कंटिन्यूअस गवर्नमेंट स्कूल से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई की है, या फिर आपने राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 से क्लास 8 तक और फिर उसके बाद क्लास 9 से क्लास 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स का तात्पर्य यह है कि वह स्कूल्स एमपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती हैं। इसमें केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय जैसी सेंट्रल स्कूल्स एलिजिबल नहीं होंगी। इसके बाद आपको अपने क्लास 12 की क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, डिक्लेरेशन में क्लिक करना होगा और उसके बाद अपने डाटा को सेव करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि नीट यूजी एडमिट कार्ड या फिर नीट यूजी रजिस्ट्रेशन स्लिप, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, डोमिसाइल एफिडेविट जिससे कि आपने मध्य प्रदेश के अलावा किसी अनदर स्टेट से डोमिसाइल का एडवांटेज नहीं लिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि 1 जनवरी 2024 के बाद ही इशू होना चाहिए, इसके पहले के सर्टिफिकेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। देन लास्ट में आपसे सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मांगा गया है। यह डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट स्कूल कोटा का बेनिफिट लेने वाले स्टूडेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वह कोशिश करें रिसेंटली अपडेटेड हो।
अगर ऐसा नहीं है तो आप फिलहाल अपने पुराने डॉक्यूमेंट को ही अपलोड कर दें, और जैसे ही अपडेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाए आप रजिस्ट्रेशन को एडिट करके न्यू डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते समय आपको ध्यान देना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में हों और 200 KB से कम हों। एफिडेविट के प्रोफार्मास आपको डीएमए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव इन क्लोजर्स पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने आपका फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लें और उसके बाद इस डिक्लेरेशन में क्लिक कर दें। और आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग फीस होगी 1100 रुपये और साथ ही टोटल चार्ज होगा 100 रुपीज। देन आप प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जिससे कि आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी आप अपने पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स फिल करें, क्योंकि ओरिजिनल पेमेंट मेथड पर ही रिफंड आता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार फिर ओपन हो जाएगा और आप इसे प्रिंट कर लेंगे। इस प्रकार आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन भी अब ग्रीन हो चुका है। इसके बाद आगे जब भी चॉइस फिलिंग या फिर कोई भी प्रोसेस प्रोसीड होगी आप इसी पोर्टल में आकर उसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आगे के प्रोसेस की वीडियोज मेरे चैनल पर समय समय पर आती रहेंगी। सो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।